Beware the special case confirmation bias part 1. Gil weight कम करना चाहता है और जो उसने diet choose की है उसे continuously जो है उसका weight कम हो रहा है. वो हर morning को weight check करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसका weight कम हो रहा है और ये वो diet continue करेगा तो successful है. Meanwhile उसने जो है weight gain कर लिया है और वो और उसने वेट गेन कर लिया और ये वो भूल ही गया है कि जो है इस डाइट को वो कंटिन्यू नहीं रख रहा, बल्कि उसे एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है कि बस ये उसके वेट की फ्लक्चुएशन है जिसकी वजह ये वेट की फ्लक्चुएशन है, डाइट वो सही कर रहा है. तो बेसिकली ये चीज़ कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को आप अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टेंट रखो और चेंज को आप एक्सेप्ट ना करो, तो इसको आप कहते हैं कंफर्मेशन बायस. कंफर्मेशन बायस जो है मिसकंसेप्शन की माँ है. क्या इसका मतलब है कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, आप उसे इंटरप्रेट करोगे अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे कि इसमें से जो चीज़ें न्यू इन्फॉर्मेशन में से जो चीज़ें आपके बिलीव्स के साथ करस्पॉन्ड करेंगी तो आप उनको मान लोगे, और जो आपके बिलीव के साथ नहीं मिलेंगी उसे आप नहीं मानोगे. उसको ऑथर ने डिसकन्फर्मिंग एविडेंस का नाम दिया है कि ऐसी चीज़ों को आप नहीं मानते जिसकी वजह से न्यू नॉलेज आप में ऐड नहीं होता रहता और आप अपनी हैबिट्स को या पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाते. इसके मामले में सुपर इन्वेस्टर बॉर्न बुफे कहते हैं कि व्हाट द वुमन बीइंग इज़ बेस्ट एट डूइंग इज़ इंटरप्रेटिंग ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन सो दैट प्रायर कंक्लूजन्स रिमेन इंटैक्ट. कि हम जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तो हम इस तरह इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वो पूरा पहली जो इन्फॉर्मेशन वो इंटैक्ट ही रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता. तो इसके मामले में ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं या कोई चीज़ अगर एक सारी चीज़ें आपको एक अगर आपको एक प्रोजेक्ट है या कोई काम शुरू करते हैं और सारी ओपिनियंस और सारे लोगों की राय आपके साथ हैं लेकिन कोई स्पेशल केस या कोई एक्सेप्शंस जिन जो इस मामले में जब मेजॉरिटी बिलीव्स आपके साथ हो रहे होते हैं तो एक्सेप्शन और स्पेशल केसेस होते हैं वो इजीली इग्नोरेबल होते हैं. तो आप उनको जो कोई भी एक्सेप्शंस हैं उनको आप लिख लो. कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट है, कोई भी न्यू बात है जो आपके बिलीव के अलावा है आप उसे लिख लो, उसको प्रॉपर तरीके से एवेलुएट करो और फिर देखो. इसी तरह न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड होगी. ऑथर ने इसको बताने के लिए एक एग्जांपल बताई है कि उसने एक प्रोफेसर था, उसने एक एक पेपर पे लिखा 246 और उसने कहा अपने स्टूडेंट को बताओ कि इसके प्रीवियस रूल क्या है. आप कोई भी जो है रूल आपने एक बताना है, नंबर आप इसके आगे कोई भी ऐड कर सकते हो. तो लोगों ने 8 ऐड किया, 10 ऐड किया, 12 ऐड किया, -2 ऐड किया, बहुत सारे नंबर ट्राई किए और उसने कहा कि रूल जो है वो आप ये है कि आप 2 नंबर ऐड करें, 246 है, 2 और ऐड करें तो 8 बन जाएगा, 2 और ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा. तो सब ने इस तरह आंसर किया लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा कि इसका रूल ये है कि प्रीवियस नंबर जो है वो उससे नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा होना चाहिए. तो बेसिकली रूल यही था और उस स्टूडेंट ने ये इसलिए सोच पाया क्योंकि उसने अपनी सेल्फ थ्योरी को क्वेश्चन किया और उसने जिसकी वजह से ये जो डिसकन्फर्मिंग एविडेंस था जो कि सारे लोग नहीं मान रहे थे और अपनी